नमस्कार, मैं अनुराग, आप देख रहे हैं बेबाक बात। अगर मैं ये कहूँगा कि मैं श्री हरि विट्ठल दुबे जी के साथ हूँ तो आप चौंक जाएंगे। नामों से कई बार हम नहीं जानते लोगों को, उपनामों से जानते हैं। मैं कवि धूमकेतु जी के साथ हूँ। धूमकेतु जी, बेबाक बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हास्य व्यंग का कवि अगर बेबाक बात ना करे तो कुछ हो ही नहीं सकता जी। तो आपको सबसे अच्छी कौन सी रचना लगती है आपकी? मुझे सबसे अच्छी रचना लगती है वो जो जनता के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करती हो। हम जनता के कवि हैं, जनता के बीच के कवि हैं। हम ना तो शासन सत्ता से हमारा कोई लेना देना है, ना मेरे पूर्वजों का रहा। मेरे पूर्वज कबीर थे, मेरे पूर्वज तुलसी थे, मेरे पूर्वज उन्होंने कभी भी शासकीय मान्यता प्राप्त करने की प्रयास ही नहीं किया। उन्होंने अलग रहकर चिंतन, स्वतंत्र चिंतन किया। मैं उस वंश का हूँ तो मुझे वैसे भी कहा जाता है कि दरबारों में तो चरण भाट हुआ करते हैं। जी सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैं उससे बिल्कुल अलग हटकर ये समझकर, ये सोचकर कविता पाठ करता हूँ कि मेरे सब कुछ जो हैं वो श्रोता हैं, सब कुछ, क्योंकि जनता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता होना चाहिए। और भारतीय संस्कृति में देखें तो कविताओं की परंपरा मीरा की परंपरा है, कबीर की परंपरा है। हमारे यहाँ तो जो दर्शन है वो बड़ा अलग किस्म का है, मिला जुला हुआ है। जी सही कह रहे हैं आप, हमारे यहाँ मिला जुला ज़रूर है, लेकिन हमारी जो संस्कृति है वो अन्य संस्कृतियों पर हावी है। ये तो समय ने, काल ने कुछ ऐसा कर दिया कि हम उस संस्कृति को भूल बैठे और उन पर वो लोग हावी हो गए जिन्होंने, मतलब कि भूल गए। हमें लगता है कि हमें इतिहास ही गलत पढ़ाया गया। आप ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, सटीक कह रहे हैं। कारण भी स्पष्ट था, जब हमारे देश का प्रथम शिक्षा मंत्री बना तो उसने वो सब पढ़ाया जो हमें नहीं पढ़ना चाहिए था, हमारी संस्कृति के विपरीत था, बिल्कुल गलत इतिहास पढ़ाया। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सब जानते हैं कि आज़ाद साहब ने जो कुछ इस देश में किया वो ठीक नहीं हुआ। सत्यानाश उन्हें नहीं किया। जी जी जी, जी। तो। उस जो जितने भी इस तरह के आए उन्होंने, मतलब प्रगतिशीलता का ओढ़ ले लिया। कभी को मुझे लगता है और ज़्यादा कचोटता होगा कि महाराणा प्रताप महान नहीं थे, वो अकबर महान था। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने इतिहास पढ़ा है और उस इतिहास को अच्छी तरह से जाना है कि किस तरह से मीना बाजार लगाया करता था, किस तरह से हमारी ललनाओं के प्रति उसकी दुर्भावना रहती थी। उसको हम कह रहे हैं ग्रेट, भारत का सबसे बड़ा राजा यही है, राजा बादशाह यही है, ये क्या मतलब है? मैं गया हूँ हल्दी घाटी के उन क्षेत्रों में गया हूँ जिसके लिए महाराणा प्रताप ने युद्ध किया। लोग कहते हैं जरा से पथरीले जमीन के लिए महाराणा प्रताप युद्ध कर रहे हैं, लेकिन जब मैंने जिंग सीमेंटर के कारखाने में वो जिंग मट्टी से निकले हुए जिंग को देखा और जिस तरह से उससे तोप बनाई जाती है, जिस तरह से उससे हथियार बनाए जाते, वो समझा, तब समझ में आया कि ये छोटी मोटी जमीन नहीं थी, ये पथरीली जमीन नहीं थी, ये जो है हमारे शक्ति के पुंज जो इसमें धरती में है भंडार भरे हुए। आपने कभी लिखा इन सारे विषयों को देखें? हाँ हाँ बिल्कुल लिखा, हमने इस पर लिखा है। और क्या हुआ भाई साहब कि कवि सम्मेलनों के मंच को मैंने पकड़ लिया। उसका कारण सिर्फ ये था कि जनता के प्रति हमें भावना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमारी भावनाओं को रौंदा गया था, हमारी भावनाओं को कुचला गया था, हमारी भावनाओं के ऊपर कुठाराघात किया गया था। तो मैं ये सोचता था कि मेरी बात किसी भी तरह जनता जनार्दन के बीच में जानी चाहिए, क्योंकि घर के कमरे में बैठकर या किसी एयर कंडीशन कमरे में बैठकर साहित्य की रचना नहीं की जा सकती और सही साहित्य को नहीं पहुँचाया जा सकता। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने जनता के उस मंच को पकड़ा जो जन मंच कहलाता, जनता से जुड़ा हुआ मंच। कुछ सुना ही ना ज़्यादा रहो तो आपको क्या सुना है? जो कोई भी रचना जो आपको लगता हो कि देश को समर्पित है ये पंक्तियाँ आपकी। देश को अभी, मतलब आप बताइए कि अभी अभी लोटी है लुटी पिटी आज़ादी, अंधेरे गांव में सावधान, सीमा के सजग पहरी सावधान। ये मैंने इसलिए लिखा कि 70 साल 75 साल हो गए आज़ादी के, लेकिन हमको
आज पता लग रहा है 1914 के बाद कि हम कितने अंधकार में थे। हम 370 हम समझ ही नहीं पा रहे 370 है क्या, क्या साजिश थी देश की, हाँ, साजिश पूरी तरह से साजिश की। तो अब मुझे लगा कि ये आज़ादी तो अब हमें मिली है। अब मैं अगर ये वाली कविता करता हूँ तो लोग कहते हैं कि ये तो किसी एक पार्टी का भोपू है। भोपू नहीं है, वास्तविकता यही है। कौन सी कविता पे आपको भोपू कहा जा रहा है? यही कविता मैं सुनाता हूँ आपको कि अभी अभी लोटी है, लुटी पिटी आज़ादी, अंधेरे गांव में सावधान, सीमा के सजग पहरी सावधान। हमलावर हिंसा की कैद में अहिंसा थी, षड्यंत्री जालों में फंसी हुई क्रांति, खूनी दाड़ों के बीच रोती थी नैतिकता, दमन के मुकोटों पर जन्मी थी शांति। उच्छंकल उद्दंडता चाहे है प्रवेश, उच्छंकल उद्दंडता चाहे है फिर प्रवेश, तेरे विद्यालय में नौजवान सावधान, अभी अभी लौटी है सरस्वती मंदिर में, सोना जाना हो जवान सावधान। मैंने ये बात कही क्योंकि जो हमने देखा है, वैसे इस कविता में अगर कोई भोपू कहता है तो हाँ है भोपू, हम देश के भोपू हैं, उसमें दिक्कत क्या है? अरे मैंने देखा, इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए हमको चारण भाट बना दिया जाए, हमको भोपू बना दिया जाए, देश से बढ़कर तो कुछ भी। आप बताइए, ये पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ और आप बताइए क्या इस देश में ऐसा नहीं हुआ? बच्चों की चीखें संगीनों की नोक, बच्चों की चीखें संगीनों की नोक, बहरी थी बस्ती और पगलाए लोग, चरित्र जहां लुटते थे खूनी थे जाम, पगली बन भटकी थी अभागनी शाम। विश्वासी छुरे की धार बहुत पहनी है, विश्वासी छुरे की धार बहुत पहनी है, मौसम विशेला है पांडवों सावधान, अभी अभी लौटी है कौरवी सभा से लजवंती द्रौपदी सावधान, अभी अभी लौटी है कौरवी सभा से लजवंती द्रौपदी सावधान। और मैं अपने देश के प्रधानमंत्री को भी एक बात कहना चाहता हूँ कि सिंहों की माद में जयचंद कुछ बैठे हैं, सिंहों की माद में जे चंद कुट बैठे हैं, सीना फुलाए यहाँ चूहे भी ऐठे हैं, मंजिलें दूर और गहरे अंधेरे हैं, सांपों से ज्यादा जहरीले सपेरे हैं, सांपों से ज्यादा जहरीले सपेरे हैं, आजादी दुल्हन की डोली के ओ कहार सावधान, आजादी दुल्हन की डोली के ओ कहार सावधान, अभी अभी लौटी है खुले हुए उपवन में भोर की पहली किरण सावधान, अभी अभी लौटी है खुले हुए उपवन में भोर की पहली किरण सावधान। क्योंकि कोई भी कवि जब रचना करता है तो उसके पीछे उसके दिमाग में कई सारे विचार होते हैं और विचारों को वो शब्दों के माध्यम से सामने लाने की कोशिश करता है। और आपने मंचों पे शुरुआत कब से कर दी थी कविता? मैं तो बचपन से ही मतलब कविता के प्रति समर्पित रहा, जोड़ना कविता की पंक्तियों को लिखना, जोड़ना, समझना, इस तरह से। तो मैं बचपन से ही कविता पाठ करता रहा हूँ। और प्रोफेशनली कि जब कविता से पैसा मिलना शुरू हुआ, ऐसा कब हुआ? ये तो नीरज जी ने इसको शुरू किया, बच्चन जी ने पैसे दिलवाना शुरू किए। तो नीरज जी ने कहा कि बच्चे मिल रहा है, तो मुझे सबसे पहले पैसा मिला पेटलावत में। पेटलावत एक झाबुआ के पास है, और वहाँ क्या हुआ कि बालकवि वैरागी भी थे और बहुत माने हुए कवि हमारे प्रदेश के कई थे वहाँ पर। तो हुआ ये करता था कि आप कविता सुनाएं, लोगों को पसंद आए, उसके बाद वो दूसरे दिन आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर भेंट स्वरूप आते थे। तो मेरे लिए बहुत सारे लोगों ने कोई पान लेके आया, पान की टोकरी लेके आया, कोई जो है टमाटर लेके आया, मिठाई आ जाते थे। तो मैंने कहा इसको क्या करें, कहने बस यही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। तब मैंने उसको बैरागी जी ने कहा कि ये कोई भी खरीद लेगा और उससे पैसे जो आपको मिलेंगे। ये भी बात हो गई, बहुत पुरानी बात है, तब से पैसा मिलना शुरू। धूमकेतु जी को हम कवि के रूप में जानते हैं, कम लोगों को ये पता है कि आपने पुलिस सेवा में अपना पूरा जीवन यापन किया, और पुलिस का काम भी किसी से कम नहीं होता। अगर कवि एक प्रहरी है तो पुलिस वाला भी तमाम सारी समस्याओं को निपटाता है, देश के भीतर से बॉर्डर पे नहीं जाता, वो बाकी सारे काम करता है। जी जी, ये काम तो हमने किए हैं। जब हम पुलिस में भर्ती हुए उस समय जो है एक मामूली सी पोस्ट थी, लेकिन हमारे
प्रतिभा को देखकर या हमारी कार्य प्रणाली को देखकर वरिष्ठ अधिकारियों ने हमको कई महत्वपूर्ण काम सौंप दिए जिसको हमने किया। अच्छा अच्छा क्या लगा, एक इंस्पेक्टर हरिविठल दुबे या कभी धूमकेतु? कभी धूम आपको कौन अच्छा? कभी धूमकेतु, क्योंकि इसमें हम हर बात कह सकते हैं जनता के। जैसे अब आजकल आप कहें कि साहब आप कुछ संदेश दी थी, तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि पाकर सत्ता सुंदरी जो हो जाते मस्त, जनता भी कर देती है उनका सूरज अस्त। ये मैं कह सकता हूँ इस समय, या मैं कह सकता हूँ कि जनता जिसकी माई बाप, तब तक उसमें प्राण रूठ गई तो समझिए पहुँच गए शमशान। मैं कह सकता हूँ ये बात, पुलिस वाला नहीं कह सकता। पुलिस वाला नहीं कह सकता। लोग कहते हैं सकारात्मक सोचो, मैं सकारात्मक के सोचते सोचते ये कह सकता हूँ कि बना रहे मजबूत बांध, लहराएंगे खेत। सकारात्मक बात है, लेकिन हास्य व्यंग का कवि हूँ, सकारात्मक बात कहते कहते कुछ ना कुछ तो मुझे कहना पड़ेगा। तो बना रहे मजबूत बांध, लहराएंगे खेत, एक तगारी सीमेंट में 20 तगारी रेत। अब जो वास्तविकता है वो तो मुझे बताना पड़ेगी ना। लोग बाग कहते हैं कि पानी बिजली और सड़क पहुंचाते हैं कष्ट, अमला जिनके हाथ में अधिकांश है भ्रष्ट। अब ये तो कहना पड़ेगा ना, अगर नहीं कहा तो कैसे काम चलेगा। कवि की ताकत होती है जो सिस्टम, जिसको आप कहते हैं व्यवस्था, उस व्यवस्था के नाम पे जो अव्यवस्था है उसको कवि उजागर करता है, उसको एक लेखक उजागर करता है। और ऐसे में आरोप लगाना किसी कवि पे या किसी लेखक पे एक बहुत बड़ा पाप है। पुलिस की नौकरी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि धूमकेतु, आप धूमकेतु नाम से कविताएं लिख रहे हैं, आपके अधिकारियों ने नहीं कहा कि आप सरकार के खिलाफ भी बोल जाते हैं कई बार, व्यवस्था के खिलाफ भी बोल जाते हैं? व्यवस्था के खिलाफ कविता लिखी तो पूरा सर्विस रोल जो है लाल कर दिया, लाल रेड प्रमोशन तक नहीं लेने दिया मुझे, लेकिन मैंने उसको ध्यान नहीं दिया। मैंने तो राष्ट्रवाद, देश हित, इसका ध्यान रखा। व्यवस्था को मैंने देखा तो मैंने व्यवस्था के खिलाफ लिखा। मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या लिखा। तब मुझे कहा जरूर अधिकारी ने कि आप ये क्या लिखते हैं, लेकिन मैंने लिखा और मैंने कहा हत्यारी रातों की काली करतूत, बेचारे दिन फांसी पर चढ़ते हैं, रोती हैं मान्यताएं, सिसकता देश, चरित्र और नैतिकता रोज यहाँ मरते हैं, भूखों के आगे कुत्तों का भोजन, अधमुह बच्चों के पेटों में संगीन है, कुर्सी के कारण दिन दहाड़े हत्याएं, सूर्य जिसके इर्द गिर्द व्यवस्था की जंजीरें, भ्रष्ट जिनके आचरण उनका सम्मान, व्यवस्था का नाम राम राम राम। और चुगलखोर चुगली से भरते हैं पेट, मैंने कहा चुगलखोर चुगली से भरते हैं पेट, रोजाना बेटियों को करते हैं पेश, अफसर के आगे उगाल दान उठाते हैं, उसके उगले पान को रोज ये चबाते हैं, इसी तरह बरसों से हरा भरा देश, अफसर की दाढ़ नीचे रोज चला जाता है, पिटता है कुटता है लेकिन चब जाता है, कसाईयों के सामने फिर भी मुस्काता है, अमावशी चेहरे जिस पर विशेली मुस्कान, व्यवस्था का नाम राम राम। और जब मैंने ये बात कही तो मेरा जो अधिकारी था, अरे यार ये क्या करते रहते हो तुम, जब मैंने ये कहा कि चोरों की फाइलों पर डाकुओं का उत्पादन, चरागाह योजनाएं चरने की तैयारी, चरित्रहीन बिस्तर पर लेटी हुई अय्याशी, शराबों में तैर रही नंगी महामारी, इन्हीं के हाथों में सौंप दी पतवार, रौंद रहे हैं जो जनमत का ज्वार, क्रांति का दीप इनसे बुझ पाएगा, लाठी और गोली से जनमत झुक पाएगा, भूखी हैं लाशें और नंगे हमाम, व्यवस्था का नाम राम राम राम। ये इमरजेंसी के वक्त की रचना आपको सुनाई, तो जब इस तरह की रचना सुनाते, इमरजेंसी का दौर भी बड़ा विचित्र रहा होगा वो तो। अरे बहुत खतरनाक, लिखने पढ़ने वाले जो थे सब जेलों में ठूंस दिए गए थे। जी 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 सही कह रहे हैं आप, खाली मेरे ही नहीं थे, मेरे भाई मीसा में बंद कर दिए गए, मैं तीन तीन चार चार मरतबा छूट छूट के बहानेबाजी करके किसी तरह से हाथ पैर जोड़ जाड़ के, कानपुर में एक मरतबा पकड़ा गया था, एक बार बनारस में पकड़ा गया, जब मैं कविता सुना रहा था तो लोगों ने कहा अरे ये तो जो है शासन विरोधी कविता पढ़ रहा है, तब मुझे बुरखे में बकायदा बुरखा पहना के भगाया गया, तब मतलब ये मैं तो इस तरह तो हुआ, लेकिन हम लक्ष्य से भटके नहीं, हमने जो है जो हमें कहना था, विसंगतियाँ बनी धरातल, पसर गईं जिन पर कुंठाएं, चीथड़े नसीब बन गए, स्वप्न सब भर रहे हैं आए,
खेतों के पेटों में जातिगत ज्वाला, निठल्लों का गीता संदेश, महत्वाकांक्षी करते कुर्सी अनुष्ठान, भीड़ में घुमा दिया पगलों ने देश। कूड़े पर अन्न चुगे मर्यादा, निगल रहे सूर्य को अंधेरे, कूड़े पर अन्न चुगे मर्यादा, निगल रहे सूर्य को अंधेरे। और अब क्या बताएं, आंसुओं की बाढ़, सद्भावना का सूखा, भविष्य पल रहा है विस्पान पर, और हिजड़े सुनाते हैं शहीदों की कहानियां, चरित्रहीन भाषण देते नैतिक सम्मान पर। क्या बात, यात्राएं सुगम इतनी, अंतिम कहां देशा, शांति दूतों के यहाँ बारूदी इरादे, पीढ़ी दर पीढ़ी पूजी हुई आस्था, जेठ की बदलिया के कोरे हैं वादे। जेठ की बदलिया का नाम लेके मैं इमरजेंसी लगाने वाली इंदिरा गांधी पर प्रहार करता था, किए तो मैंने बहुत है प्रहार, बहुत प्रहार किए हैं, हिंदुस्तान की व्यवस्था, देश का हित, पाकिस्तान की चालाकियाँ, ऐसा कोई विषय नहीं है जिस पे आपने कलम ना चलाई हो। और मुझे भी आपके एक पुराने साथी की दो पंक्तियाँ याद आ गईं, उनका नाम था मुकुट बिहारी सरोज। वाह वाह वाह, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम। मुकुट बिहारी सरोज जी ने मुझे लगता है लिखा था उस समय पाकिस्तान के बारे में कि ये फोड़ा नासूरी है, इसका इलाज बेहद जरूरी है, चीर फाड़ करनी होगी, तुम कहो ये हिंसा है लेकिन ये हिंसा मजबूरी है। कवि धूमकेतु जी से बातचीत के इस दौर को हम जारी रखेंगे और तमाम सारी रचनाओं को उनसे सुनेंगे जो उस जमाने में भी प्रासंगिक थी और आज भी प्रासंगिक है। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ऋषि, कि पंडित जी क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि मुझे तुम्हें जिंदगी के सभी खतरों से बचाना है। फिर तो मेरे लिए खतरे में है, क्योंकि जो कॉकरोच से डर जाए वो मेरी क्या रक्षा करेगा। वह कॉकरोच छोड़कर तुम्हारी पूरी लाइफ एकदम सिक्योर है। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में, फॉरएवर वाले रिलेशनशिप से पहले LIC। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेरे साथ देश के वरिष्ठतम कवि, हास्य व्यंग्य के लिए खास चर्चित श्री धूमकेतु जी हैं। आपने एक बात कही 370 को लेके, जब धारा 370 को हटाया गया, हमेशा ये कहा जाता था, लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे कि 370 हट नहीं सकती देश से, हटेगी तो तूफान आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे एक बात याद आ गई, आपने पूछा तो याद आ गई। अटल बिहारी वाजपेयी जी भोपाल आए थे और केंद्रीय कार्यालय में हिंदी का कैसे प्रयोग किया जाना चाहिए उसके वो अध्यक्ष थे, और उनके साथ मतलब के 5-6 और पूरा डेलीगेशन आया था, तो उसमें एक कवि भी थे, उदय प्रताप सिंह वो भी थे, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे उदय प्रताप सिंह, जी जी जी। तो वो मुझे उन्होंने बुलाया था, तो मैं उस होटल में गया जहाँ वाजपेयी जी भी ठहरे हुए थे, अशोक होटल अशोक। तो वो वाजपेयी जी के पास मुझे लेके गए कि तुम्हारा परिचय करना। मैंने उन्हें नहीं बताया उदय प्रताप सिंह जी को कि वो मुझे जानते हैं, लेकिन मैं उनके साथ चला। उस समय की बात मुझे याद आ गई कि उदय प्रताप सिंह ने बातों बातों में अटल बिहारी वाजपेयी जी से ये पूछा कि ये 370 क्या बला है, कैसे कश्मीर भारत में विलय हो पाएगा, अगर हो तो गया है लेकिन वहाँ के लोगों को कैसे, यद्यपि वो समाजवादी विचारधारा के हैं, लेकिन उन्होंने ये पूछा, तब वाजपेयी जी ने खुद समझाया, तब मैं भी सुनकर जो है आश्चर्यचकित हो गया। वाजपेयी जी ने समझाया कि ये हटना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये तभी हट सकता है या तो देश में पार्लियामेंट में BJP का राज हो, मतलब BJP आ जाए, राष्ट्रवादी लोग आ जाए, या फिर वहाँ की विधानसभा 70% के हिसाब से हाँ तो हट सकती, और ये संभव नहीं। लेकिन इतिहास पलट गया, देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को बहुमत दे दिया, संकल्पशील व्यक्ति मोदी जी, मैं जानता हूँ खूब अच्छी तरह से, तो उन्होंने जो है ये बहुत बड़ा कदम उठाया और परिणाम स्वरूप 370 हट गया। 370 से बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि मैं जब कश्मीर जाता था कविता पाठ करने के लिए, मुझे जम्मू और आकाशवाणी ने कई मरतबा बुलाया, और एक बार मुझे श्रीनगर
में एक सैलानी सीओ थे हुआ करते थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया, तो वहाँ मैं हिंदुस्तान किसी भी जगह जाता था, मैं दाढ़ी बनवाने एक के यहाँ गया तो वहाँ पाकिस्तान का रेडियो चल रहा है। मैंने कहा यार वो मैच आ रहा है हिंदुस्तान पाकिस्तान का, तो वो देखें कि ले सब यहाँ नहीं दिखाई देता, यानी वहाँ हिंदुस्तान का टीवी नहीं देख सकते थे, टीवी मतलब ब्रॉडकास्ट ही नहीं हो रहा था। वहाँ के जितने रिजेक्टेड लोग थे, पहली बार मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ के जितने रिजेक्टेड अधिकारी थे वो जब भोपाल में टीवी खुला तो वो सब यहाँ आ गए, रिजेक्टेड लोग। वो भोपाल में उन्होंने जो है दूरदर्शन चलाया। मुझे घनश्याम शर्मा डायरेक्टर थे गोरखपुर दूरदर्शन पे, उन्होंने बताया कि यार तुम्हारे यहाँ लोग आए हैं, और यहाँ वो इतने डरते थे, मैं और आपको ये बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ कि वहाँ से जितने लोग भोपाल दूरदर्शन पे आए वो इतने डरते थे कि अगर किसी ने कह दिया ए तो वो घबरा जाते थे, यानी उनके ऊपर उसका डर कश्मीर का डर यहाँ पे भी मौजूद रहा। कश्मीर में लोगों ने बहुत सहा, कई सालों तक सहा, लगातार सहा, नहीं संदेह, घरों से निकाल दिया गया, बर्बाद कर दिया गया, जमीनें छीन ली गई, उनकी महिलाओं पर कब्जे कर लिए गए, इस तरह की हरकतें हैं। उसके बाद अब अच्छा है, तो नरेंद्र मोदी किस तरह के प्रधानमंत्री लगे आपको? बहुत दमदार, इसमें कोई शक नहीं, और भले ही लोग कुछ भी कहें लेकिन दृढ़ संकल्पित व्यक्ति, राष्ट्र के लिए समर्पित व्यक्ति, अपना सब कुछ बलिदान करके इस देश को संवारने के लिए, इस देश को बनाने के लिए प्रयत्नशील। ऐसे में कांग्रेस के जो लोग हैं वो कंपेयर करते हैं कि राहुल गांधी जो है वो नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकते हैं। आप अच्छे खासे मेरा इंटरव्यू लेते हुए मजाक पर आ गए, अरे संभव ही नहीं है, एक शेर के सामने एक चूहे की क्या औकात है यार। वो जो आदमी, अब मैं आपको क्या बताऊं, मतलब नरेंद्र मोदी को जो है वो चौकीदार को चोर कह रहे थे, हैं, तो मैंने उस समय लिखा इस बात को कि चोर तो वो हैं जो ज़्यादा शोर मचाते हैं, कि फिल्म भी आई थी चोर मचाए शोर, हैं, तो पप्पू जी चिल्ला रहे मोदी जी को चोर, पप्पू जी बतला रहे मोदी जी को चोर, फिल्म बड़ी मशहूर थी चोर मचाए शोर। ये खुद ही लोग जो हैं डूबे हुए हैं, और इनका चरित्र क्या है। मैं एक मरतबा राजीव गांधी को कह सकता था कि हाँ तब तक ठीक है, लेकिन ये तो ये बहुत हलकट आदमी, हल्के टुच्चे घटिया, इनको क्या कहें, ठीक नहीं। तो क्या कांग्रेस का पूरा सेटअप लगा हुआ है कि इनको एक बार प्रधानमंत्री बना दिया जाए? आपका बड़ा लंबा तजुर्बा है, लगता है कि इनको मौका मिलेगा? संभव ही नहीं है। मैं यश धुरंधर की कविता की पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत रखता हूँ, एक कवि है, युवा कवि है, यश धुरंधर की कविता की कुछ पंक्तियां, कि घोटालों पर घोटाले हैं, कोरे हैं सब वादे, चाय वाले से पंगा मत ले ओ मेरे शहजादे। तो उसमें अंतिम पंक्तियां बहुत बढ़िया उसने कही हैं, कि चाय वाले से पंगा लिया तो बड़ा जहरीला पित, चाय वाले से पंगा लिया तो बड़ा जहरीला पित, बूढ़ी जर्जर कांग्रेस चारों खाने चित। तो क्या है कि जब आप देशभक्त से या राष्ट्रवाद से पंगा लोगे तो यही स्थिति होगी। ये सपने में भी कभी प्रधानमंत्री तो बन ही नहीं सकते, प्रधानमंत्री बहुत बड़ी बात होती है, बन ही नहीं सकते। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन पे कविताएं कही जाती हैं, एक लेखक को कवि को छोटी छोटी चीज़ें मिलती हैं जिनसे वो कविताओं को खड़ा कर देता है। कॉम्बिनेशन ये बनाया जाता है कि इंदिरा गांधी से प्रियंका गांधी की नाक मिलती है इसलिए उनको प्रधानमंत्री हो जाना चाहिए, या इंदिरा जी के पोते हैं राहुल जी इसलिए प्रधानमंत्री हो जाना चाहिए। तो वंशवाद और ये सारी चीज़ें इनको कितना मानते हैं क्या? ना ये बेकार की बातें हैं, और वंशवाद इस देश में अब अंतिम सांसें ले रहा है, वंशवाद नहीं चलेगा। आप देख रहे हैं
अखिलेश को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया वंशवाद के कारण। आप देख रहे हैं लालू के लड़के रिजेक्ट कर दिया गया। ये तो पहले से ही रिजेक्टेड माल है पप्पू, इनका तो संभव ही नहीं है। अब आप कभी लोग भी बड़ा पप्पू पप्पू कहते हैं राहुल गांधी को, लेकिन जिन्होंने पप्पू नाम दिया था उनको तो पंजाब में अध्यक्ष बना दिया। साहब मौका परस्त लोगों को, अवसरवादी लोगों को क्या किया जाए? जो अवसरवादी लोग हैं ये जो अब क्या बताएं, अवसरवादी लोग हैं, इनसे आप विश्वास मत रखिए। सिद्धू, हाँ अब सिद्धू के डायलॉग भोपाल में एक व्यक्ति लिखता था, सिद्धू उसको देता था 2,500 रुपये, वो जब वो उसमें जाते थे लाफ्टर शो में, तो उसके डायलॉग भोपाल का एक व्यक्ति लिखता था, आज भी है। जो आदमी दूसरे के डायलॉग बोल के, दूसरों की कविताएं पढ़ के, दूसरों के शेर सुना के जी, तो उनसे क्या अपेक्षा की जा सकती? जो जाके दुश्मन के गले से लग गया, पाकिस्तान के जनरल से गले से लग गया, क्या मतलब है? तो ये जो है मौका परस्त लोग हैं, इनसे कुछ होने जाना वाला नहीं। आप धूमकेतु जी राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं, राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तो आनंद तो आया हुआ आपको भी? खूब, हमने तो उस धर्म युद्ध में आगे बढ़कर हिस्सा लिया, और हमने 1990 में बाबा निर्भय हाथरसी, उर्मिलेश निडर, मैं, संदीप सपन, इनके साथ हम गए हैं और हमने खूब कविता पाठ किया है। और मैं तो वो भाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि जब मेरी किताब आई लाशें खिलखिलाती, तो इसमें एक कविता को पसंद किया, दो कविताओं को पसंद किया और मुझे पत्र भेजा, किसने? अशोक सिंहल, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष ने, कहा कि ये तो कविता गजब की आपने लिख दी, और पत्र मेरे पास सुरक्षित है। उसमें मैंने बकायदा बताया कि मंदिर, मैं मंदिर मानता हूँ उसको, वो भले ही आप उसे ढांचा कहें, भले ही आप उसे बाबरी कहें, मंदिर था, वो मंदिर था, मंदिर। तो मैंने उसको बताया कि ये ना तो कोई बीजेपी वालों ने तोड़ा है, ना कोई शिवसेना वालों ने तोड़ा है, ये किसी ने नहीं तोड़ा, जिसने तोड़ा मैं बताता हूँ। और मैंने उसमें बताया, आपको वो कविता भी मैं सुना देता हूँ, और इस कविता को चूँकि उन्होंने बहुत पसंद किया तो मैं ये, वो ये वैसे भी राष्ट्र की अस्मिता से जुड़ा हुआ प्रश्न था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक आक्रांता आता है हमारी चीज़ों को तोड़ देता है, अपने नाम रख जाता है, और हम वो गुलामी के प्रति कभी ख़त्म नहीं कर पाते। तो मैं आपको वो कविता सुनाता हूँ कि जय श्री राम बन गया बंधु, महाप्रलय का उद्घोष, धरती कापी अंबर गूंजा, शत्रु के भी उड़ गए होश, धीर वीर गंभीर राम के उबल पड़े सारे वंशज, चढ़े हुए जिन पर सदियों से महासमुद्र के असंख्य कर्ज, प्रातः प्रातः तो सूर्य अनमने थे, हृदय में छुपाए घाव अनेक, जब सुना कान ने शंखनाद, सब बिखरे भाई हुए एक, सारे के सारे देव वहां आहुति देने को आए, वे वेदी नहीं महाकुंड था, ऋषियों ने मंत्र उच्चारे, सूरज ने अग्नि प्रज्वलित की, भवानी ने आशीर्वाद दिया, बजरंग के साथ बानर सेना, गुलामी का चिन्ह विध्वंस किया, आजाद देश आजाद मुल्क, 6 दिसंबर को आभास हुआ, आजाद देश आजाद धर्म, 6 दिसंबर को आभास हुआ, हिंदू के चेहरे दमक उठे, धरती ने नवाकाश हुआ। ये मैंने कविता लिखी, और इसके बाद बहुत लंबी कविता है, बहुत लंबी कविता है भोपाल में, और पूरे देश में दंगे फसाद हुए, वो पूरी मैं आपको नहीं सुना रहा, लेकिन मैंने इसका अंतिम पंक्ति मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। लंबी कविता इसलिए, इसकी अंतिम पंक्तियाँ के मैं कहना चाहता हूँ कि आखिर गुंडों को कब तक बर्दाश्त करें, कब तक सर पर बिठलाएं, सब काम तुम्हारे आत्मघाती, ये इस देश में जो कुछ किया कांग्रेस ने गलत किया, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सब काम तुम्हारे आत्मघाती, पद लोलुप और स्वार्थ जन हैं, संस्कृति के तुम हत्यारे हो, विधर्मी हो, पापी मन है, जब चाह संविधान थोड़ा, गर्दन अपनों की काटी है, वोटों के खातिर नपुंसको, छलनी माता की छाती है, तुमने तुमने कश्मीर को उलझाया, गद्दारों के तलवे चाटे,
तुम तुष्टिकरण के पक्षपाती, भारत माता के हाथ काटे। यदि अब भी सबल नहीं होगे, गारंटी शांति की कौन देगा? तुम गले गले तक डूबे हो, रक्षा का भार कौन लेगा? संगठन हमारा लक्ष्य बंधु, सत्ता तो एक बहाना है, और धर्म संस्कृति के साथ साथ अब हिंदुस्तान बचाना है, और यही काम मोदी कर रहा। धर्म संस्कृति भी बचाना है, देश को भी बचाना है, राष्ट्रवाद को भी लाना है। क्या क्या था कि हम बहुत सालों तक 75 साल आजादी को हो रहे हैं, और मुझे लगता है कि 65 सालों तक हम सिर्फ याचना करते हुए नजर आए। हम कभी रणवीर हैं, हम रण में जा रहे हैं, इस भूमिका में कभी नजर ही नहीं आया। इसमें गलतियां हमारी भी रही हैं, बहुत बड़ी गलतियां रही। अब जैसे हमने एक कविता लिखी और हमने चाहा कि दूरदर्शन पर उसे प्रसारित कर, हमारी कविता है, अच्छी कविता थी, तो उनका अरे दुबे जी, अरे भाई साहब, अरे धूमकेतु जी, ये तो नहीं चलेगा। अब मैं चेतावनी देना चाहता हूँ पाकिस्तान को, युद्ध चल रहा है, हैं? जैसे एक बार क्या हुआ कि 1985 की बात है, मुझे दिल्ली बुलाया गया, सारे देश के व्यंग्यकारों को बुलाया गया, सिर्फ इस बात के लिए कि दूरदर्शन को कैसे सुधारा जाए, दूरदर्शन के प्रति लोगों का आकर्षण कैसे बढ़े। तो उस समय जो है SS गिल जो है उस समय सेक्रेटरी हुआ करते थे, और उस समय भगत जी जो हैं सूचना प्रसारण मंत्री हुआ करते, मैं भी गया था। तो जब मैंने बोला तो उनको ज़रा अच्छा नहीं लगा। बात सिर्फ इतनी थी कि दूरदर्शन को अगर सुधारना है तो दूरदर्शन में इस प्रकार के कार्यक्रम होना आना चाहिए, जैसे BBC लंदन पर एक कार्यक्रम आता था यस प्राइम मिनिस्टर, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर तक को व्यंग में डाल दिया जाता था। तो उन्होंने कहा जैसे, तो मैंने एक कवि की पंक्तियां पढ़ दी कि एक नेता कहीं खो गया है, आदमी तो नहीं हो गया है, परसों निकला था बाढ़ के दौरे पर, पानी पानी तो नहीं हो गया, तो वो मुझसे नाराज हो गए। अरे आपको नेताओं में मिलता है सब कुछ, हास्य व्यंग क्या है? तो लोगों ने कहा यार धूमकेतु बेटे, मैंने कहा नहीं साहब, भगत जी ऐसी बात नहीं है, आपने पूछा था इसलिए मैंने कहा, आप अगर दूरदर्शन को लोकप्रिय बनाना चाहते हैं तो मेरे भोपाल के संगीत टाकीज में एक फिल्म लगी है 27 लाख की बनी है, और उस फिल्म में जो है संतोषी महता फिल्म है, वो 1 साल से चल रही है। अगर दूरदर्शन पॉपुलर करना है तो इस पर रामायण महाभारत बनाकर दिखाओ। तो लोगों का बेटो बेटो बाद में यही हुआ, और बाद में बन गई, और वो जो है हमारा नाम ब्लैक लिस्टेड हो गया। आप ब्लैक लिस्टेड हो गए जो भी रहा, लेकिन एक चीज है कि आप जितने हास्य व्यंग्य के कवि हैं उससे ज्यादा तो आप राष्ट्रवादी कवि हैं। स्वाभाविक है, राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत है, बचपन से यही संस्कार पाए। वैसे हास्य में मेरा जवाब नहीं है, खूब पढ़ता हूँ, लेकिन मैं अपनी विधा तो नहीं छोड़ सकता। तो मैं जो आपसे बात कह रहा था वो छूट गई बीच में, कि मैंने पाकिस्तान को चेतावनी के कविता लिखी, उनका ये नहीं चलेगी। आखिर क्या आपका दखल चैनल ये कविता जो मैं सुना रहा हूँ दिखा सकता है? सुनाइए। मैंने पाकिस्तान को कहा, समझाइश थी, ओ पागल किस बलबूते पर हमसे टकराने आया है, क्यों अपनी नादानी की नाहक हंसी उड़वाने आया है, ओ पाक कहने वाले क्यों नापाक धरा को करता है, क्यों शांति गुफा में सोए तू नरसिंह जगाने आया है, माना माना ये देश है गौतम का, माना ये देश है गांधी का, पर इसी देश में रहता है तूफान प्रलय की आंधी का, यदि मचल पड़ा तो दुनिया में कुछ भी साकार नहीं होगा, 19 करोड़ की हस्ती का नामो निशान नहीं होगा, सागर में होगा आफ्ताब, अंगार फलक से बरसेंगे, पृथ्वी के जर्रे जर्रे से भूचाल निकलते दर्शेंगे, तब तेरा बना इस्लामिक बम इन गोलाबारी का क्या होगा, अंगार उगलती गोली की इन बोछारों का क्या होगा, इसलिए तुझे समझाते हैं ओ मनमानी करने वाले, फूलों के धोखे झोली में ओ अंगारे भरने वाले, यदि 5 जान बच गया कहीं तो युद्ध नहीं रुक पाएगा, कुरुराज कराची में फिर से कुरुक्षेत्र नया बन जाएगा, दुर्मुख दुर्शासन दुर्यो
दुर्योधन जब द्रोण नहीं रोक पाए तो गांडीव लक्ष्य की सीमा में तू खाकर क्या रोक पाएगा। ठहर सका ना गोरी यहाँ पर, चल ना सकी नादिरशाही, रुक ना सका औरंगजेब जब शिव शिवा की बारी आई। ठहर सका ना लॉर्ड डलहौजी, चल ना सकी डायरशाही, और रुक ना सका अंग्रेजी बच्चा जब भगत सिंह की बारी आई। इसलिए मैंने कहा कि जब सूरज ने करवट बदली अंधकार तब भागा, मिली चुनौती जब भी राष्ट्र को स्वाभिमान भी जागा। बम बम भोले जागो शंकर, जमकर प्रहार किए गोरी गजनवी चंगेजी, दिल हमने हिला दिए। हम वंशज महादेव के ज्वाला हैं, अंगार हैं, हम पांच जान की काल धोनी है, गांडीव की टंकार है। दुर्गा के बेटों को जो गीदड़ सरेआम धमकाएंगे, हम काट काट गर्दन उनकी माता को भेंट चढ़ा देंगे। तो हमने ये तो मार काट की कविता। अरे वहां पर आज भी दूरदर्शन पर इतनी काट छाट होती है कुछ कहानी। मुझे लगता है कि अगर स्थितियां माकूल होती और इतनी समझ होती तो दूरदर्शन कहीं और होता है। सही बात है। क्योंकि कोई भी लेखक कवि है, मैंने जैसा कहा कि उसके पीछे बहुत सारी भावनाएं, बहुत सारे लोगों की बात होती है, वो आखिर उस कवि की बात नहीं होती। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान तो होगा, पाकिस्तान होगा कि नहीं होगा इसका कोई भरोसा नहीं है। निश्चित रूप से कई टुकड़ों में बटेगा ये कवि की वाणी। आपने धूमकेतु जी को सुना और उनका एक शब्दों का प्रलयंकारी रूप यहाँ आपने देखा। हास्य व्यंग के कवि के रूप में हम लोग उनको सदैव सुनते रहें, जानते रहें। आज उनके दूसरे पक्ष से भी मुखातिब हुए हैं और आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए दखल न्यूज़। नमस्कार। ऋषि, ये पंडित जी क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि मुझे तुम्हें जिंदगी के सभी खतरों से बचाना है। फिर तो मेरी लाइफ खतरे में है, क्योंकि जो कॉकरोच से डर जाए वो मेरी क्या रक्षा करेगा। वह कॉकरोच छोड़कर तुम्हारी पूरी लाइफ एकदम सिक्योर है। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। फॉरएवर वाले रिलेशनशिप से पहले LIC। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।